Hello children, today we are going to start a new chapter, that is chapter 1 of economics book, development. So here we will start to learn about development and here we will know that development means the progress, its concept, meaning the development of the people's thoughts are different and we will see that for someone who is development can happen to someone else, that development doesn't happen. So we will learn about all these things in this chapter. So now let's begin. The idea of development or progress has always been with us. तो ये जो concept, ये जो idea है किसको लेके, तो development को लेके, progress को लेके, ये हमेशा से हमारे साथ है. We have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live. तो यहाँ पे बोला गया हमारे अंदर क्या होते हैं, हमारे अंदर उम्मीदें होते हैं, हमारे अंदर इच्छाएं होते हैं, किस बारे में तो बताया गया हम क्या करना चाहेंगे या फिर हम कैसे जीना चाहेंगे. तो इसको लेके हमारे अंदर क्या होते हैं, aspirations होते हैं, हमारे अंदर desires होते हैं. नेक्स्ट बताया गया है सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक. तो ऐसे करके हमारे अंदर में क्या होते हैं, हमारे अंदर आइडियाज़ होते हैं कि एक देश को कैसा होना चाहिए. जैसे कि अगर मैं तुमको पूछूंगी तो हो सकता है तुम कहोगे कि एक देश को जो कंट्री है उसको क्या होना चाहिए. तो उस कंट्री को एक ऐसा देश होना चाहिए जो अपने लोगों के लिए सोचे, लोगों के भलाई के लिए सोचे और वहाँ पर कोई भी गरीबी ना हो, कोई भी मतलब इलिटरेसी का प्रॉब्लम ना हो, यहाँ पे वहाँ पे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हो. ऐसे करके तुम हो सकता है अलग अलग पॉइंट्स वहाँ पे तुम बताओगे. तो ऐसे करके यहाँ पे बताया गया कि सिमिलर वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक. तो ऐसे करके हम लोगों के अंदर क्या होते हैं, आइडियाज़ होते हैं कि किसको लेके, तो एक देश को कैसा होना चाहिए उसको लेके हमारे अंदर आइडियाज़ होते हैं. What are the essential things that we require? तो क्या वो चीज़ें हैं जो हमें essential चीज़ें हैं जो हमें चाहिए. Can life be better for all? तो क्या ज़िंदगी सभी के लिए बेहतर हो सकता है. How should people live together? तो लोगों को कैसे एक साथ रहना चाहिए. Can there be more equality? क्या और ज़्यादा equality possible है. तो इस बारे में यहाँ पे question पूछा गया है. तो development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals. तो यहाँ पे बताया गया है डेवलपमेंट क्या है. तो डेवलपमेंट इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में सोचना है और तरीकों के बारे में सोचना है जिसके थ्रू हम ये जो गोल्स है यानी कि हमारे जो टारगेट्स है उसको हम हासिल कर सके. तो यहाँ पे ये चीज़ तुम्हें याद रखना है कि डेवलपमेंट क्या है. डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ा था. तो इन्हीं क्वेश्चन के बारे में सोचना और उन तरीकों के बारे में सोचना जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये जो गोल्स हैं हमारे जो टारगेट्स है उसको हम हासिल कर सके. This is a complex task and in this chapter we shall make a beginning at understanding development. तो ये जो काम है ये क्या है, complex task है, यानी कि एक difficult task है जिसमें बहुत सारे क्या है points है. तो यहाँ पे complex जब कोई चीज़ होता है तो उसमें बहुत सारे factors होते हैं. तो यहाँ पे भी वैसे ही याद रखना है कि ये क्या है, complex task है और इस chapter में हम क्या पढ़ना शुरू करेंगे. तो हम इसको समझने की समझना यानी कि ये जो development है उसको समझने की कोशिश करना शुरू यहाँ पे करेंगे. तो beginning at understanding development, तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे किसको समझना, development को समझना. You will learn more about these issues in greater depth in higher classes. तो जब तुम senior classes में जाओगे तो तब अगर तुम economics लोगे तो इस यानी कि ये जो development है उसके बारे में और ज़्यादा तुम्हें depth में वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा. नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया ऑल्सो यू विल फाइंड आंसर्स टू मेनी ऑफ दिस क्वेश्चंस नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो इन योर कोर्स इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस. तो यहाँ पे याद बोला गया है कि और साथ में ये जो क्वेश्चंस है इसके बहुत सारे आंसर्स जो होंगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा कहाँ पे, तो वो सब इकोनॉमिक्स में ही नहीं लेकिन वहाँ पर तुम्हें हिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा, पोलिटिकल साइंस यानी कि जो सिविक्स है उसमें भी तुम्हें ये आंसर्स देखने को मिलेगा. This is because the way we live today is influenced by the past. तो ये इसलिए है क्योंकि हम अभी जैसे जीते हैं वो क्या द्वारा influenced है, तो उसमें क्या किसने प्रभाव डाला है, तो हमारे अतीत ने प्रभाव डाला है. इसी वजह से ये क्या बोला गया है, this is because the way we live today is influenced by the past. तो जैसे कि हम कहते हैं कि मान लो मैंने कहा कि ये जो तुम्हारा डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो अच्छा नहीं, तो मैं ये जो डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो अच्छा नहीं कैसे कह रही हूँ, तो ये जो अतीत में यानी कि जो पास्ट में जो जर्मनी में जो हिटलर था जो कि एक डिक्टेटर था तो उसका एग्जांपल मैंने दे के ये बात बताया है. तो ये मैंने पास्ट को पास्ट के एक्सपीरियंस के थ्रू जो हिस्ट्री बुक को पढ़ के जो हमने सीखा है उसके थ्रू मैंने ये बात बताया है. तो ऐसे करके यहाँ पर याद रखना है कि दिस इज़ बिकॉज द वे वी लिव टूडे इज़ इन्फ्लुएंस बाय द पास्ट. तो इसी वजह से हमारे इंडिया में क्या कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो हमारे पास डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. वी कॉन्ट डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बींग अवेयर ऑफ दिस. तो हम बदलाव के लिए क्या नहीं कर सकते, डिज़ायर नहीं रख सकते यानी कामना नहीं कर सकते जब तक हमें उस बारे में पता नहीं, यानी कि जब तक हमें पास्ट के बारे में पता नहीं तब तक हम कैसे बदलाव का उम्मीद रखेंगे.
In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. तो इसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया है कि सिर्फ democratic political process से यानी कि democratic system से ही हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे hopes से यानी कि जो हमारी उम्मीदें हैं, जो possibilities है यानी कि जो chances है, इसको हम क्या कर सकते हैं, achieve कर सकते हैं real life यानी कि असली के जीवन में. तो आगे यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिस, यानी कि डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है, यानी कि डेवलपमेंट किस क्या चीज़ का वादा करता है. डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स. तो ये जो डेवलपमेंट जो प्रॉमिस करता है लोगों को, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग गोल्स, वो यहाँ पे बताया गया डिफरेंट गोल्स. तो यहाँ पे उनके अलग अलग क्या होते हैं, गोल्स होते हैं, यानी कि उनके अलग अलग टारगेट्स होते. तो यहाँ पे बताया, लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन्स लिस्टेड इन टेबल 1.1. तो यहाँ पे बोला गया जो टेबल 1.1 जो तुम्हें नीचे दिख जाएगा, तो यहाँ पे बोला गया है कि हम कोशिश करते हैं क्या करने का, इमेजिन करने का यानी कल्पना करने का कि क्या डेवलपमेंट या फिर जो प्रोग्रेस है वो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग यानी कि जो उनका कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट को लेकर क्या है, तो ये हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे इमेजिन करने की कोशिश करेंगे यानी हम कल्पना करेंगे और आंसर्स देने की कोशिश करेंगे कि ये जो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं उनके डेवलपमेंटल गोल्स, उनके एस्पिरेशंस क्या होंगे. तो यहाँ पे बताया गया, यू विल फाइंड दैट सम कॉलम्स आर पार्शियली फिल्ड. तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कुछ कॉलम्स को कुछ हद तक वहाँ पे फिल किया गया, वहाँ पे ब्लैंक्स वहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा. ट्राई टू कम्प्लीट द टेबल. तो वहाँ पे जहाँ पे भरा हुआ नहीं है, तो उस पोर्शन को हमें वहाँ पे भरना है. यू कैन ऐड एनी अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन. उसके साथ साथ तुम यहाँ नीचे में जो यहाँ पे कैटेगरी ऑफ पर्सन जो दिखेगा, तो यहाँ पे तुम कोई दूसरा कैटेगरी ऑफ पर्सन को भी वहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो. तो यहाँ पे बताया गया है कि टेबल 1.1 डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन. तो यहाँ पे टेबल 1.1 किस बारे में, तो डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में अलग 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 कैटेगरीज के लोगों के. तो वहाँ पे तुम्हें देखने को मिले कैटेगरी ऑफ पर्सन एक साइड में और दूसरी साइड में डेवलपमेंटल गोल्स और एस्पिरेशंस. तो वहाँ पे सबसे पहला वाला बताया लैंडलेस रूरल लेबरर्स. तो लैंडलेस रूरल लेबरर्स कौन है, तो लैंडलेस कहने पर जिसके पास ज़मीन नहीं है, रूरल कहने पर गांव में रहने वाले, लेबरर्स मतलब कौन है, तो वो लोग हैं जो क्या करते हैं, लेबर करते हैं. तो लेबरर्स को हम क्या कहते हैं, मजदूर कहते हैं. तो ये याद रखना है. तो लैंडलेस रूरल लेबरर्स के क्या डेवलपमेंटल गोल्स होंगे, तो यहाँ पे पहले से ये फिलअप किया गया है, बताया गया है कि वो लोग चाहेंगे क्या, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस. तो ऐसे जो लेबरर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, वो क्या चाहेंगे, तो वो और ज़्यादा काम चाहेंगे और बेहतर वेजेस वो चाहेंगे. लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रेन. तो वो चाहेंगे कि वो जो लोकल स्कूल्स है जो उनके एरियाज में, वो उनके बच्चों को क्या प्रोवाइड करे, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे, यानी कि अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन वो प्रोवाइड करे. देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज. तो वो लोग चाहेंगे यानी कि जो लैंडलेस रूरल लेबरर्स है, वो चाहेंगे कि समाज में जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है यानी जो भेदभाव होता है समाज में, वो ना हो, और साथ में वो चाहेंगे कि वो भी क्या बन पाए, तो लीडर्स बन पाए उनके विलेज में. तो नेक्स्ट वहाँ पे तुम्हें देखिए कैटेगरी ऑफ पर्सन में प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब. तो ये जो प्रॉस्पेरस फार्मर्स है फ्रॉम पंजाब, वो उनके डेवलपमेंटल गोल्स क्या होंगे, तो वहाँ पे लिखा हुआ है अश्योर्ड हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर्स. तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो प्रॉस्पेरस फार्मर्स हैं यानी कि जो तरक्की कर रहे हैं जो फार्मर्स है पंजाब में, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो वैसे वाले फार्मर्स, प्रॉस्पेरस फार्मर्स क्या चाहेंगे, तो बताया गया है कि वो हाई फैमिली इनकम चाहेंगे. कैसे, तो बताया गया है हाई सपोर्ट प्राइसेस के थ्रू, यानी कि वो हायर MSP चाहेंगे अपने क्रॉप्स के लिए, और साथ में वो चाहेंगे कि उनको क्या मिले, हार्ड वर्किंग और चीप लेबरर्स मिले, यानी कि उनको मजदूर मिले जो कि मेहनती हो और साथ में वो सस्ते में काम करने के लिए तैयार हो. दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रेन अब्रोड. और इसके साथ साथ बताया गया है कि वो चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को अब्रोड में क्या कर दे, सेटल कर दे. नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि ये ब्लैंक है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक आंसर बता देती हूँ गेस करके, जैसे कि यहाँ पे उनके डेवलपमेंटल गोल्स क्या हो सकते हैं. तो हम इमेजिन करते हैं कि हम क्या है, एक फार्मर है जो डिपेंड करता है किस पे, तो रेन पे क्रॉप को उगाने के लिए. तो अगर मैं वैसे फार्मर होती तो मैं क्या चाहती, तो मैं चाहती कि ये जो मानसून है यानी कि जो रेन है वो समय पे आए. साथ में हो सकता है मैं चाहती कि गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट कैनल खोदे और कैनल के थ्रू जो हमारे खेतों तक क्या करे, इरिगेट करने के लिए पानी वो प्रोवाइड करे. या फिर हो सकता है मैं चाहती कि जो गवर्नमेंट है वो मुझे लोन प्रोवाइड करे ताकि मैं खुद के लिए क्या कर सकूँ, वहाँ पे मैं वेल बना सकूँ. तो ऐसे करके हम यहाँ पे ऐसा चाह सकते थे.
ऐसे करके यहाँ पे नेक्स्ट जो कैटेगरी है वहाँ पे देखने को मिला, रूरल वुमन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली. तो एक रूरल वुमन जो किसको बिलोंग कर रही है, तो लैंड ओनिंग फैमिली से बिलोंग कर रही है, तो वो क्या चाहेगी. तो यहाँ पे हो सकता है वो चाहेगी कि जो उसका जो परिवार का जो जमीन है उसमें से उसको भी कुछ हिस्सा मिले, तो वो हो सकता है वो चाहेगी. ऐसे करके अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, तो अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ यानी कि जो अर्बन एरियाज में रहने वाले जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, तो वो लोग क्या चाहेंगे, तो वो क्या चाहेंगे. तो ऑटोमेटिकली अगर मैं और एक अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ होती तो मैं क्या चाहती, तो मैं अपने लिए एम्प्लॉयमेंट चाहती, और ये जो एम्प्लॉयमेंट मैं चाहती तो वो रेगुलर बेसिस में चाहती. मैं वहाँ पे कैसा जॉब चाहती, तो मैं एक सिक्योर जॉब की कामना करती. तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली. तो एक लड़का जो एक रिच अर्बन फैमिली को बिलोंग करता है, तो हो सकता है ये जो रिच अर्बन फैमिली का जो लड़का है, हो सकता है वो चाहता कि उसके पास क्या हो, महंगे महंगे गाड़ी हो, या फिर हो सकता है वो चाहता कि वो उसको पढ़ने के लिए जो उसके पेरेंट्स है उसको बाहर भेजे, तो ऐसे करके हो सकता है वो ये चीज़ें चाहता. नेक्स्ट यहाँ पे बोला है अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली. तो ये वाला भरा हुआ है, तो बताया गया एक लड़की जो एक रिच अर्बन फैमिली को बिलोंग करती वो क्या चाहती. तो सी गेट्स एज मच फ्रीडम एज अ ब्रदर एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वॉन्ट्स टू डू इन लाइफ. तो ये जो लड़की होती वो क्या चाहती, तो वो चाहती उतना ही फ्रीडम उसको मिले जितना कि उसको उसके भाई को मिल रहा है. और यहाँ पे बोला गया है कि उसको क्या मिले, तो वो डिसाइड कर पाए क्या वो अपनी ज़िंदगी के साथ करना चाहती है. सी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड. तो वो भी चाहती कि वो क्या कर सकते कि उसको भी पढ़ने के लिए फर्दर स्टडीज के लिए उसको कहाँ भेज दिया जाए, तो अब्रॉड भेज दिया जाए. ऐसे करके यहाँ पे पूछा गया एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली. तो अगर कोई आदिवासी होता नर्मदा वैली से तो वो क्या चाहता, तो यहाँ पे तुम गेस करके लिख सकते हो. जैसे कि आदिवासी चाहता कि जो नर्मदा में जो डैम कंस्ट्रक्ट किया है वो ना हो, या फिर हो सकता है वो आदिवासी चाहता कि ये जो आदिवासी के लिए भी क्या किया जाए वहाँ पे, जो वो जहाँ पे वो रह रहे तो उस एरिया में गवर्नमेंट उनके लिए स्कूल्स खोल दे, और साथ में जो उनके लिए काम करने के लिए उनको भी चांसेस प्रोवाइड किया जाए. तो ऐसे करके वो हो सकता है ये चीज़ें चाहते. तो ये तुम खुद से भी ये कर सकते हो, तो ये पोर्शन को खुद से भरा जा सकता है. तो आगे यहाँ पे बताया गया हैविंग फेल्ड टेबल 1.1 लेट अस नाउ एग्जामिन इट. तो अगर जब तुमने ये भर लिया हो तो तुम ये भर लो अपने हिसाब से, और उसके बाद जब तुम भर लोगे तो वहाँ पे बोला गया है कि तुम उसको देखो, एग्जामिन करो, ऑब्जर्व करो. डू ऑल ऑफ दीज पर्सन्स हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस. तो क्या इन सभी कैटेगरी के जो लोग हैं यानी कि जो कैटेगरी ऑफ पर्सन है, क्या उनके सेम डेवलपमेंटल गोल्स और एस्पिरेशन है. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है मोस्ट लाइकली नॉट, और आंसर भी दिया गया है कि ज़्यादा तुम्हें देखने को मिलेगा वहाँ पे कि ज़्यादातर वहाँ पे देखने को मिलेगा कि वहाँ पे इनके जो एस्पिरेशन है वो सेम नहीं है. इच वन ऑफ देम सिक्स डिफरेंट थिंग्स. तो हर एक जो व्यक्ति यानी जो कैटेगरी ऑफ पर्सन है वो अलग अलग चीज़ों का क्या कर रहे हैं वो उम्मीद रखे हुए है.